नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच सामने आने से पहले इस मामले में दिन पर दिन नई नई चीजें निकल कर आ रही। उनके वकील, परिवार के सदस्यों, दोस्तों के बाद अब उनके पूर्व करीबी अंकित आचार्य, जो सातों दिन 24 घंटे अभिनेता के लिए पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम किया करते थे, उन्होंने सुशांत की मौत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया जो इस हत्या की पहेली को हल कर सकता है। अंकित ने चर्चा की कि वो इसे हत्या क्यों मानते हैं। एक लीडिंग वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में अंकित आचार्य ने कहा कि मैं सुशांत भैया को अच्छी तरह से जानता था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह आत्महत्या है, ये निश्चित रूप से एक हत्या है। भले ही हम इस बात को मान लें कि सुशांत भैया ने खुद को लटकाया, लेकिन जब यह आत्महत्या है तो निशान हमेशा यू आकार में होता है, लेकिन जब कोई आपका गला घोंटता है तो ये हमेशा ओ आकार में होता है। सुशांत भैया के मामले में ये ओ आकार का निशान है। जब ये एक आत्महत्या है, एक आदमी की आंखें बाहर निकल आती है, जीभ बाहर निकल आती है, मुंह के पास झाग आ जाता है, लेकिन इसमें से कोई भी सुशांत भैया के शरीर में नहीं था, इसीलिए ये निश्चित रूप से हत्या का मामला है। अंकित ने आगे कहा कि मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि उनके गले पर कैसा निशान है। ये उनके पालतू कुत्ते फज की बेल्ट का है, उस बेल्ट का निशान है वो। मेरे पास अभी भी तस्वीरें हैं उनके शव की और मैं अभी भी पिक्स की जांच कर रहा हूँ। अपराधियों ने सुशांत के पालतू कुत्ते फज की बेल्ट का इस्तेमाल किया जिससे उनकी मौत हो गई। सीबीआई को केस ट्रांसफर होने से मैं बहुत खुश हूँ। मैं पूरी जांच चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सुशांत सर को न्याय मिले। मैं चाहता हूँ कि दोषियों को फांसी तक की सजा हो। बता दें कि अंकित आचार्य ने इसके अलावा भी इस मामले को लेकर कई खुलासे किए। बताते चले कि मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बाद अब सुशांत मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। ऐसे में अब हर किसी को उम्मीद है कि जल्द ही सारा सच सामने आ जाएगा।